सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द होम कमिंग। तो चैप्टर के नेम का मीनिंग है घर वापसी। सो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके मेन कैरेक्टर्स को देखें। इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स हैं पाठक, पाठक चक्रवर्ती। इस पूरी जो हमारी स्टोरी है इसका मेन लीड है, मतलब जो ये पूरी हमारी मूवी लाइक है, इसका मेन लीड कौन है? पाठक चक्रवर्ती। और इसकी मदर है एंड इसका ब्रदर। इसके ब्रदर का नाम क्या है? माखन। जो इसके डैड अब एक्सपायर हो चुके हैं, मतलब काफी इयर्स पहले। सो यहाँ पे अभी कलकत्ता में अपनी मॉम एंड अपने भाई के साथ रहता है। और इस नेक्स्ट जो हमारे इस चैप्टर के कैरेक्टर है, दैट इज इनके अंकल, जो कि इनके मामा जी हैं, इनके मम्मी के भाई हैं, जिनका नाम है बिसंबर, राइट। ये और इनके वाइफ इस पूरी चैप्टर के नेक्स्ट जो अदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। सो जो पूरी जो हमारी ये स्टोरी है चैप्टर की होमकमिंग, जो पाठक होता है ये बहुत ही ज्यादा खुराफाती बच्चा है। यू नो हमारी रिंग लीडर वर्ड यूज है बुक में, दैट इज रिंग लीडर। तो रिंग लीडर का मीनिंग होता है खुराफाती, मतलब बहुत इलीगल काम करने वाला बच्चा है, ये गलत काम करता है। तो जो ये बच्चा पाठक है ये बहुत शैतान एक तरीके का बच्चा होता है। ये पूरी जो गांव में जितने भी बच्चे इसके गांव में होते हैं उसका लीडर होता है, पूरे गैंग का। क्यों ऐसा माना जाता है कि पूरे मतलब गांव में जो कोई भी बच्चा जो अगर इसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो ये उसे बहुत पिटवाता है। तो पाठक होता है इतना पावरफुल होता है कि वो उस बच्चे को पिटवा सकता है। सो एक दिन ये प्लान करता है कि जो कुछ एक न्यू गेम खेलने के लिए प्लान करता है। तो उसे ना रिवर साइड पे क्या दिखता है? एक लकड़ी का ना एक बहुत बड़ा होता है लॉग दिखता है, राइट। ये लकड़ी का ना लॉग दिखता है जिससे क्या बनने वाली होती है, जिसके लिए बोट बनने वाली होती है, राइट। तो ये क्या प्लान करता है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कि जो ये लॉग है इसे अगर हम पानी के अंदर बहा देंगे तो इससे क्या होगा, जो इसका ओनर होगा, जो बोट बनाने वाला होगा, वो गुस्सा हो जाएगा और इन लोगों को डांटेगा। मतलब काफी उसे ऑफकोर्स उसकी लकड़ी पूरी वेस्ट हो जाने तो गुस्सा तो आएगा उसे। तो उसको गुस्से में देखकर परेशान देखकर जो ये और इनके फ्रेंड्स है बहुत हंसेंगे, ऐसा पाठक सोच रहे होते हैं। तो ये सब जो उसी टाइम होता है जब ये लोग लकड़ी को फेंकने की सोचते हैं, तो जो पाठक का छोटा भाई है माखन, ये आके इसी लॉग के ऊपर बैठ जाता है और कहता है, मतलब कि जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, जो पाठक के जो फ्रेंड्स है जो इस लॉक को पानी में फेंकने वाले होते हैं, वो बोलते हैं माखन को कि हट जाओ लॉक के ऊपर से, हमें इसे पानी में फेंकना है। बट जो माखन है वो नहीं हटता है। तो ये जो जो पाठक के जो फ्रेंड्स है ना, जो पाठक के जो फ्रेंड्स है वो सब माखन को काफी धक्का देते हैं इस लॉक पे से, बट वो हटता ही नहीं है, वो नहीं हटता, फिर से उठ के बैठ जाता है। तो जो पाठक जो ये इसके फ्रेंड्स जो इसके सारे जो पाठक के फ्रेंड्स है वो जाके पाठक से बोलते हैं कि देखो तुम्हारा भाई जो है हमें परेशान कर रहा है, हमें लकड़ी नहीं बहाने दे रहा। तो पाठक जो है वो माखन से कहता है हट जाओ, बट माखन हटता नहीं है। तो पाठक ये सोचता है अगर ये नहीं हटेगा और अगर मैं कोई दूसरा यू नो अगर ये नहीं हटेगा और मैं कुछ मतलब हटाने की कोशिश भी नहीं करूंगा तो जो मेरे फ्रेंड्स है उनके सामने मेरी यू नो रिस्पेक्ट खत्म हो जाए नहीं है। मतलब उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात ऐसा फील हुआ कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, सब मेरी इतनी इज्जत है इतनी मेरी बात नहीं मानेंगे अगर ये नहीं हटा। तो माखन माखन तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो पाठक ऑर्डर देता है किसको, अपने फ्रेंड्स को ऑर्डर देता है कि काम करो तुम लोग ना माखन को लॉक के साथ पानी में बहा दो, ये ना धक्का दे दो उसे पानी में ताकि वो भी गिर जाए। तो जो उसके फ्रेंड्स होते हैं लॉक को धक्का देना स्टार्ट करते हैं, फिर माखन यू नो पानी में गिरने वाला होता है कि माखन वहां से उठ के चला जाता है लॉक पे से उठ जाता है और जो लॉक है वो पानी में चला जाता है। सो जो अब पाठक है मतलब जो माखन है वो अब लॉक से उठा काफी डरा हुआ है क्योंकि वो गिरने वाला था, बस बार बार बच जाता है। तो जो माखन है वो दौड़ के जाता है पाठक के पास, जाएगा पाठक के पास और उसे खूब मारता है, यू नो उसे हाथ पैर लात घुसे सब बहुत बुरे तरीके से मारता है और खुद रोते रोते कहां जाता है, अपने घर चला जाता है, अपने मॉम के पास चला जाता है, ठीक है। अपनी मॉम कहां जाता है, अपने घर चला जाता है, अपने घर जाके मतलब कंप्लेन करता है कि मामा मुझे ना पाठक ने बहुत मारा है, बहुत रोता है। तो उसके बाद क्या होता है, अभी माखन तो घर जा चुका है, अब यहाँ जो पाठक है, अब लॉक तो पानी में जा चुके, इनके फ्रेंड्स के आगे पाठक की पिटाई बहुत ज्यादा, किसने की, माखन ने की, वो भी इनके फ्रेंड्स से आए, जैसे इनके फ्रेंड्स आए पिटाई कर दिए। तो जो फ्रेंड्स इनके ऊपर हंसते हैं फिर चले जाते हैं। अब पाठक जो है वो अपना मुंह हाथ धो के पानी मतलब रिवर से मुंह हाथ धो के पानी लेके पेड़ के पास ना बैठ जाते हैं अपने और घास एक टुकड़ा उखाड़ कर अपने मुंह में मतलब मुंह में उसको च्यू करने लगते हैं। च्यू करते हैं और ये सोचते हैं कि अगर मैं घर जाऊंगा तो क्या होगा मेरे साथ। एक्चुअली उन्हें पता होता है कि उनकी मामा ने बहुत मारने वाले हैं बिकॉज माखन ने उनकी कंप्लेन की होगी डेफिनेटली। उसी टाइम क्या होता है, रिवर क्रॉस करके एक आदमी एक मिडिल एज मैन आता है। एक्चुअली ये आदमी जो होता है ये दिसंबर होता है, बट ये बात पाठक को तो अभी नहीं पता है कि ये इसके अंकल है। ये आदमी जो होता है ये इससे पाठक से पूछता है कि बेटा चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं। देन पाठक अपनी सोच में डूबा हुआ है तो उसे नहीं पता कि कौन है, मतलब वो उन्हें देखता नहीं फर्स्ट टाइम। तो
तो जो ये आदमी जो आया है पार्टी से पूछता है कि दोबारा पूछता है कि बताओ चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं। देन पार्टी बिना किसी एक्सप्रेशन से उनकी तरफ देखता भी नहीं, बस ऐसे ही बोल देते कि उस तरफ रहते हैं, ऐसे हाथ से इशारा कर देता है कि हाँ उस तरफ रहते हैं। ठीक है, तो इस आदमी मतलब आदमी को समझ नहीं आता कि मतलब हाँ इशारा करा, फिर दोबारा पूछता है तो पार्टी गुस्से में कहता है कि जाओ खुद ही ढूंढ लो, यू नो मतलब काफी टेंस है वो बच्चा हो तो वो कैसे बताएगा। ठीक है, तो फिर मतलब फिर पाठक तो जैसे वो ऐसे रोडलिन से बोलता है, जैसे ये बोलता है कि आप खुद ही ढूंढ लीजिए, वैसे ही थोड़ी देर में क्या दो, वैसे ही पाठक के घर से उसका सर्वेंट आता है और क्या कहता है, पाठक के घर से कौन आता है, उसका सर्वेंट आता है और ये कहता है कि तुम्हारी मोम तुम्हें बुला रही है। पाठक मना करते कि मैं नहीं जाऊंगा घर, क्योंकि पाठक को पता है कि मैं घर जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे मेरे को क्या होगी, पिटाई होगी, मेरी मोम मुझे बहुत मारेंगी, बिकॉज उसे पता है कि मैंने उसे कंप्लेन की है। लेकिन अब सर्वेंट को तो उसके मैम ने ऑर्डर दिया, उसकी पार्टी के मॉम ने ऑर्डर दिया है, सो क्या अब सर्वेंट इसको खींच खींच कर बहुत ही जबरदस्ती करके निकाले जाता है, इनके घर ले जाता है। जब ये अपने घर पहुंचते हैं तो इनकी जो मॉम है, यू नो जो पार्टी की मॉम है, इनसे बोलती है कि आपने अपने भाई को मारा, मतलब तुमने अपने भाई को फिर से मारा। तो ये बोलता है नहीं मॉम, मतलब कि मॉम मैंने तो अपने भाई को नहीं मारा है, बिकॉज पार्टी ने तो मारा ही नहीं होता, मारा तो माखन ने उसे, उसे तो सिर्फ लॉक पे धक्का देने के लिए कहा था, लॉक से हटने का तो माखन हटे नहीं, तो बस मारा किससे, माखन ने पार्टी को मारा, राइट, रियलिटी है। बट यहाँ पे क्या है, माखन ने मॉम को पहले कंप्लेन की है, तो मॉम जो है वो जानती है कि पाठक शैतान है, तो ऑफकोर्स वही मारा, उसी ने मारा होगा। तो यहाँ पे जो पाठक है वो गलत होता है, पाठक सही है, सॉरी पाठक सही है, लेकिन मॉम तो उसे गलत ही हमेशा मानती है, बिकॉज वो बहुत शैतान है। ठीक है, तो जो पाठक है वो मॉम से भी बोलता है कि नहीं मैंने नहीं मारा, पर उसकी मम्मी नहीं मानती है। तो जो माखन, फिर उसकी मम्मी माखन को बुलाती है, मदर जो पाठक जो माखन होता है उससे मम्मी से पहले से कंप्लेन कर रखी है कि मम्मी मुझे पाठक ने मारा है। अगर अब वो अपनी बात वापस लेता है तो जो उसकी मॉम है वो उसी को मारेंगी, है ना। अब आप अगर कोई एक बार बोल के अपनी सेंटेंसेस को वापस लेगा तो वो तो गलत ही होगा ना। फिर इंसान, फिर माखन डर जाते कि मेरी मम्मी मुझे मारेंगी, तो वो बोल देते हैं कि हाँ मुझे पाठक ने मारा है। तो जो उसकी मम्मी होती है वो पाठक को मारना स्टार्ट करते हैं, यू नो इसकी इतनी पिटाई होती है, बहुत मतलब पिटाई तो होगी ऑब्वियसली, बट जब ये माखन जैसे ही बोलता है कि हाँ इसने मुझे मारा है, पाठक दौड़ के जाता है और इसे पीटना स्टार्ट कर देता है। जब पाठक इसे पीटना स्टार्ट कर देता है तो उसकी मॉम आती है और रोकती है। ये दोनों भाई जब लड़ाई कर रहे होते हैं, दोनों भाई लड़ाई कर रहे हैं आपस में, तो इनकी मॉम आके बचाती है, इन्हें अलग करती है इनकी मॉम आके। ठीक है, इनकी मॉम जब इन्हें आके अलग करती है, फिर वो क्या करती है, वो पाठक को मारना स्टार्ट करती है। तो पाठक को मारती है वो, तो पाठक को उन्हें पुश कर देता है, पाठक उन्हें ना पुश कर धक्का दे देता है। तो जो उसकी मॉम है वो बोलती है कि अब तो मुझे भी धक्का दोगे, इतने बड़े हो गए, मतलब गुस्से में ऑब्वियसली सर की मॉम यही बोलती है, तुम्हारे तो इतने बड़े हो गए तो मुझे भी धक्का दे रहे हो। तो तब तक क्या होता है, जैसे ही मतलब ये इसकी मॉम है, यू नो समझ लीजिए इसकी मॉम है, ये पाठक है, ठीक है, ये इसकी मॉम इसे बोल ही रही होती है, तो अचानक से इनकी जो मेन डोर है, ये डोर है समझ लीजिए, तो डोर पे एक आदमी आता है, नहीं वो ये इसकी मॉम है, ठीक है, ये कौन है, इसकी मॉम है, ये पाठक है, राइट, ये पाठक है। तो डोर पे एक आदमी आता है एंड वो बोलता है कि अरे ये क्या हुआ, अरे क्या हो रहा है, मतलब घर में क्या हो रहा है। तो जो ये इसकी मॉम है टर्न होकर देखती है कि कौन है, पाठक छुप के देखता है कि कौन है मॉम के साइड से, देन वो देखता है कि डोर पे वही आदमी है जिसने उसे रास्ता पूछा था जब वो रिवर साइड पे बैठा हुआ था, तो राइट, तो पाठक ने जिसे रास्ता नहीं बताया था और गुस्से में बोल दिया था उल्टा सीधा। सो ये जो उसकी मॉम जब टर्न होकर देखती है तो देखती है कि पीछे इनके भाई खड़े रहते हैं, उनके बड़े भाई, दादा कहती हैं उन्हें, जिन्हें ये दादा प्यार से कहती हैं। सो इनकी तरफ ये जाती हैं चलते हुए एंड बोलती हैं, यू नो अपने से बड़ा, मतलब ये पैर छूने के लिए झुकती हैं और पूछती हैं, अरे दादा आप इतने दिनों बाद कहाँ से आए। क्योंकि जब उनकी शादी हुई होती है, पाठक की जो मॉम है, जब उनकी शादी हुई होती है, आफ्टर मैरिज उनकी शादी होती है, तो उनका भाई जो है विशंबर, यानी कि जो ब्रदर है ना, जो उनके ब्रदर विशंबर है, बॉम्बे चले जाते हैं इन्हें छोड़कर, आफ्टर इनकी शादी करवा के बॉम्बे चले जाते हैं अपने बिजनेस के लिए। कहाँ जाते हैं ये, बॉम्बे चले जाते हैं, ठीक है, ये बॉम्बे चले जाते हैं फॉर अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, बिजनेस अपना स्टैब्लिश करने के लिए बॉम्बे चले जाते हैं, ठीक है। और फिर जब मतलब जब क्या होता है, शादी मतलब कुछ टाइम बाद जो उसके हस्बैंड है वो एक्सपायर हो जाते हैं, जो उनके हस्बैंड है वो एक्सपायर हो जाते हैं, और ये बात इन्हें पता नहीं होती। जब ये यहाँ वापस कलकत्ता आते हैं, यानी कि अभी तो बॉम्बे में थे अपने बिजनेस के लिए, जब ये वापस कहाँ आते हैं, कलकत्ता आते हैं, ठीक है, जब वापस कलकत्ता आते हैं दिसंबर बॉम्बे से, तब इन्हें पता चलता है कि इनके जो हस्बैंड एक्सपायर हो गए। सो ये बहुत जल्दी से अपनी बहन की बहुत उनका मतलब ढूंढने का, कहाँ रहती हैं सब पता करते हैं और बिना देर के उनके पास जाते हैं। जब जाते हैं तो वही देखते हैं कि डोर पे जैसे एंट्री लेते हैं वैसे इनके घर में मारपीट चल रही होती है। सो ऑफकोर्स ये थोड़ा अजीब होगा कि आप किसी घर जा रहे हो, लड़ाई हो रही हो, तो पूछते हैं, तो फिर मतलब फिर उनके साथ ही कुछ दिन तक रहते हैं, जब रहते हैं तो मतलब 4-5 डेज या फिर 1-2 वीक्स के, तो काफी लोग एंजॉय करते हैं एक साथ।
फिर एक दिन क्या होता है, जो विशंबर होता है वो अपनी बहन से पूछता है कि तुम्हारे दोनों बच्चों की स्टडीज कैसी चल रही है ना, आप स्टडीज के बारे में पूछता है उनसे, उसकी पढ़ाई के बारे में, बिकॉज उसे पता है कि जो उसके मतलब जो पार्टी के फादर हैं वो अब नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो उसकी मम को बहुत डिफिकल्टीज होती होगी उनके मतलब स्कूल मतलब फीस वगैरह को लेकर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये पूछते हैं बस। तो जो पाठक की जो मॉम है वो क्या बोलती है कि माखन जो है वो पढ़ने में बहुत अच्छा, पढ़ने में क्या, वो बहुत यू नो ही इज गुड एज गोल्ड, ही इज गुड एज गोल्ड, ये मतलब बहुत ही सोने की तरह खरा बच्चा, मतलब इतना अच्छा बच्चा है जो माखन है वो बहुत ही सीधा साधा है, यू नो भेड़ के बच्चे की तरह सीधा साधा है, लैम्ब लाइक मतलब लैम्ब की तरह एकदम स्वीट सा बहुत ही इनोसेंट टाइप का बच्चा। कौन है? माखन है, पाठक का छोटा भाई है ना। लेकिन पाठक है, जो हमारे पाठक है वो कैसे बहुत ही ज्यादा लेजी, बहुत ही ज्यादा लेजी है, बहुत ही शैतान बच्चे हैं, यू नो न्यूसेंस चाइल्ड है, अपनी मम को फुल टाइम परेशान खुराफाती एकदम बच्चा है, जो 2400 घंटे कोई ना कोई शैतानी करता ही रहता है, ऐसा बच्चा है, और पढ़ाई में जिसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, वो कौन है? पाठक। ठीक है, तो मॉम जो है जो बोलती है ये अपने भाई से क्या बोलती है इसकी पाठक की मॉम कि मैं ना पाठक से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, माखन तो बहुत ही सीधा था और अच्छा बच्चा है। तो जो ये दिसंबर है वो एक ऑफर करता है अपनी सिस्टर को, दैट एक ऑफर करता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे बेटे पाठक को, मैं तुम्हारे बेटे पाठक को अपनी कलकत्ता लेकर दूं, जहां मैं रहता हूं, जहां मेरे बच्चे पढ़ते हैं, जहां पे मेरे बच्चे पढ़ते हैं, यू नो जो दिसंबर है उसके कितने बच्चे हैं, उनके तीन बच्चे हैं, उनके तीन बच्चे हैं, तो मैं तुम्हारे पाठक को अपने साथ लेकर जाता हूं और अपने बच्चों के साथ पढ़ाऊंगा, कहां पर? कलकत्ता में, कलकत्ता में जहां पे वो लोग रह रहे होते हैं, वहां पे मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, तुम्हारे बेटे को भी पढ़ाऊंगा अपने बच्चों के साथ उसी स्कूल में। ठीक है, तो जो उसके भाई ने मतलब कि जो पाठक की मॉम को ये ऑफर दिया दिसंबर ने कि तुम्हारे बेटे को मैं लेके जा सकता हूं अपने साथ, पूछता है एक्चुअली वो कलकत्ता, तो जहां पे मैं रहता हूं, तो जो पाठक की जो मॉम है उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो, मतलब कि वो बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम मतलब कि थोड़ा दूर रहेगा, खुश इसलिए होते हैं एक्चुअली कि उन्हें डर रहता है कि कहीं यहाँ पे मैं कभी ध्यान ना दूं और ये जो पाठक है अपने भाई को मार वार दे, नदी में धक्का दे दे, कुछ भी कर सकता है, चोचर वगैरह फोड़ दे, इतना तो पता था कि कितना बदतमीज बच्चा पाठक उसकी मॉम को। ठीक है, तो जब ये बात पता चलती है पाठक को कि मैं अपने मामा के साथ कहाँ जा रहा हूँ, कलकत्ता जा रहा हूँ, तो ये पाठक जो है पाठक भी बहुत खुश होता है कि चलो अच्छा है, मैं भी जाऊंगा, मैं शहर में जाऊंगा, यू नो वहां उस साइड जाके वहां अलग जगह जाऊंगा, बहुत खुशी होती है एक्चुअली, ये बहुत हैप्पी फील करता है कलकत्ता जाने के नाम से। ठीक है, बहुत ही खुश होता है कौन? पाठक बहुत खुश होता है और उसकी मॉम भी खुश होती है, तो सब लोग खुश हैप्पी रहते हैं कि पाठक जो है कलकत्ता जा रहा है इसलिए। तो अब क्या है, पाठक जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, बहुत ही ज्यादा वो है उत्सुक है कि मैं कब जाऊंगा, तो ये बार बार अपनी मामा से पूछता है कि मैं कब जाऊंगा, बार बार पूछता है, मामा कहते अभी कुछ दिन में चलेंगे, तो जब डेट डिसाइड होती है कि हम नेक्स्ट से जाने वाले हैं, तो रात भर पाठक को नींद नहीं आती, इस बच्चे को रात भर नींद नहीं आती है, ये मतलब काफी ज्यादा क्यूरियस होता है कि कहां जाए, क्या देखूंगा, क्या सब कुछ न्यू होगा ना, सो बहुत एक्साइटेड बच्चा है। सो जब नेक्स्ट मॉर्निंग अपना बैग पैक करता है नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर, और जो उसकी उसकी बहुत ही उसकी आपकी इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है, जैसे कि जो पाठक जाने से पहले अपने मार्बल्स को दूसरी चीज कौन सी, अपनी काइट को, जो सबसे बड़ी वाली काइट होती है वो, और अपने फिशिंग रॉड जिसकी फिशिंग रॉड है, ये तीनों चीजें ना अपने भाई को दे देता है, ये तीनों चीजें जो होती हैं ये अपने भाई को दे देता है, मतलब अब छोटा भाई उठ रहा तो उसे बहुत प्यार आता है, अपने जा रहा होता है उसे छोड़ के, तो वो तीनों चीजें जो होती है उसे गिफ्ट करके जाता है। ठीक है, जब आप पाठक जो है कहाँ चला जाता है, अपने मामा के साथ उनके घर चला जाता है। ठीक है, जब अपने मामा के साथ उनके घर चला जाता है, सो जब पाठक होता है जब वो अपने मामा के साथ उनके घर जाता है, जब ये घर जाता है, तो जैसे वो घर जाता है तो जो उसकी आंट होती है, जो उसकी मामी होती हैं, वो उसे बिल्कुल मतलब जैसे वो घर में आते हैं क्या उसे बोलती हैं, अपने हस्बैंड से बोलती हैं कि पहले तीन, क्योंकि उनके ऑलरेडी थ्री तीन बच्चे, तीन लड़के थे, राइट, तीन उनके तीन बेटे थे, थ्री सन्स थे, अब वो एक और को लेकर आ गए जो कि ऑलरेडी 14 ईयर का, कितने साल का, 14 साल का ये, तो जो उसकी आंट का ओरिजिनली कहने का मतलब यहाँ पे यह है इस चैप्टर में कि जो एक 14 साल का लड़का होता है वो हम उसके रियल पेरेंट्स तो है नहीं, उसके रिलेटिव एक तरीके से हैं, तो अगर हम उसे कुछ कहेंगे तो वो उस बात को सही से नहीं ले सकता है या फिर उल्टा जवाब दे सकता है, मतलब एक 14 साल का बच्चा यू नो खुद जवाब देने लायक हो जाता है। ठीक है, उसकी मामी कहने का मतलब ये था। तो जो उसकी मामी होती है, वैसे भी उसकी मामी का बिहेवियर पाठक से इतना कुछ खास इतना अच्छा नहीं रहता है, तो उसके साथ मतलब इतना अच्छा बिहेव नहीं करती है, जो पाठक होता है उसका एडमिशन कहा इन सेम स्कूल में होता है, मतलब इन सबका जो स्कूल होता है वो सेम होता है। ठीक है, ये मतलब जो पाठक है उसके जो कजन है वो सब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, वो लोग सेम स्कूल में पढ़ते थे पाठक और उनके कजन, राइट, बट जो पाठक है ना वो एक्चुअली शहर में कभी रहा नहीं था, तो उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था, यू नो सिटीज जो होती हैं वो कैसी होती हैं, बिल्कुल बंद होती हैं, सिटीज कैसी होती है, एकदम बंद होता है, अब गांव की तरह मेडोज खुले फील्ड ग्राउंड कहाँ होंगे सिटीज में, तो जो पाठक होता है ना उसे बहुत बोर, बिल्कुल फ्रेश एयर आपको नहीं मिलने वाले सिटीज में, तो पाठक बहुत बोर फील करता है एक्चुअली, और स्कूल में बिल्कुल डम स्टूडेंट होता है, पढ़ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, और एक दिन क्या होता है और बुरा, पाठक की बुक हो जाती है, अब पाठक की वैसे जब बुक्स थे इसके पास, जब इनके पास बुक्स थी तो ये पढ़ते नहीं थे, और विदाउट बुक ये बंदा क्या पढ़ेगा,
जब इनकी बुक हो जाती है तो स्कूल में डेली इनको मार पड़ती है। तो एक दिन ये क्या बोलते हैं अपनी आंट से, क्या आंट से बोलते हैं कि आंट मतलब कि मेरी ना जो बुक है ना वो खो गई है। ये तो जो इनकी आंटे मतलब इतनी गुस्से में होती हैं कि वो अपने लिप्स को अपनी टीथ से दबाकर गुस्से में बोलती हैं कि अब मैं तुम्हारे लिए महीने में 5-5 बार बुक खरीदू, हाँ मैं मंथ में 5 टाइम्स तुम्हारे लिए बुक खरीदू, पढ़ना लिखना तुम्हें होता है नहीं, बस बुक होते रहते हो, तुम्हारे बार बुक्स खरीदू। जो पाठक होता है वो इतना डर जाता है, फिर चुपचाप वो बंदा कुछ उनसे कहता नहीं, नेक्स्ट डे फिर स्कूल चला जाता है। जब वो नेक्स्ट डे स्कूल जाता है तो क्या होता है, जब स्कूल से घर आ रहा होता है तो उसे ऐसा फील होता है कि उसे फीवर है, क्या उसे फीवर हो गया, वो ऐसा फील कर रहा होता है कि मुझे ना फीवर हो गया। अब उसे फीवर हो गया, ठीक है, अब पार्टी को क्या हो गया, फीवर हो गया। तो जो पार्टी घर आ रहा होता है तो वो सोचता है कि उसे ये नहीं पता है कि क्या उसे मलेरिया हुआ, उसे एक्चुअली मलेरिया हो गया होता है, ठीक है, उसे मलेरिया हो गया होता है। जब वो स्कूल तो एक दिन जब वो स्कूल से घर जा, कहां से स्कूल से जब वो घर जा रहा होता है अपने मतलब जहां वो अभी मामा मामी के साथ रह रहा होता है, जब वो स्कूल से घर जा रहा होता है तो उसे फील होता है उसे फीवर हो गया, एक्चुअली उसे मलेरिया हो गया होता है। सो तो उसे ये फील, वो सोचता है कि अगर मैं घर जाऊंगा तो उसकी मामी है जो ऑलरेडी उसमें गुस्सा है बुक होने के रीजन से, बुक होने के रीजन से ऑलरेडी गुस्सा है वो, तो जब उन्हें ये पता चलेगा कि उसे फीवर है तो वो तो उसका बहुत बुरा हाल करने वाली है। सो अब क्या है, अब जो पाठक है वो स्कूल से घर जाने के बजाय वो अपनी मामा के घर जाता है, वो कहां जाता है, वहां से स्कूल से डायरेक्टली भाग जाता है अपनी मॉम के पास कि मैं अपनी मॉम के पास चला जाता हूँ, ठीक है, अपनी मॉम के पास चला जाता हूँ, ठीक है, चला जाता हूँ। ऐसा सोचकर वो स्कूल से डायरेक्टली भाग जाता है। लेकिन अब उसको जब मलेरिया, आफ्टर ऑल मलेरिया है तो उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन जब रात हो जाती है, रात को बहुत ज्यादा क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है, रात को बहुत ज्यादा बारिश होती है। जब उसके जो मामा है, जब वो अपने घर आते हैं, ठीक है, जब अपने घर आते हैं और देखते हैं कि घर पे कौन नहीं है, कौन नहीं है, पाठक, जब पाठक घर पे नहीं है, राइट, घर पे पाठक नहीं है, तो जो उसकी मामा है उन्हें बहुत टेंशन हो जाती है। वो आसपास घर के आसपास हर जगह ढूंढते हैं और कहीं नहीं मिलता है। और उस टाइम कलकत्ता में जहां पे वो रहता है वहां बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है, बारिश की वजह से आसपास का जो पूरा एरिया है पानी में भर गया होता है, मतलब पूरा ज्यादा पानी से हर जगह पानी पानी होता है। अब जो पाठक है वो तो अपने घर जाते हैं, मामा के पास जा रहे हैं, रास्ता से पता होता नहीं ऑलरेडी, जो विशंबर है उसके मामा आसपास ढूंढते हैं, कहीं उन्हें पाठक मिलता नहीं, पाठक कहीं भी नहीं मिलता है। सो वो कहां जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, वो अब जाते हैं पुलिस के पास, ठीक है। जब वो पुलिस के पास जाते हैं, कंप्लेन फाइल करते हैं, तो दो पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं, किसे ढूंढते हैं, पार्टी को जाकर ढूंढते हैं। जब वो पार्टी को ढूंढते हैं तो उन्हें पार्टी मिल जाता है। वो पार्टी को लेकर आते हैं उसकी मामा के पास, पार्टी को लेकर वो आते हैं मामा के पास। अब पार्टी को क्या है, बहुत ज्यादा फीवर है, ठीक है, पार्टी को बहुत ज्यादा फीवर है, वो बहुत ही ज्यादा शिवर कर रहा है, बहुत ज्यादा कांप रहा है, बिकॉज उसे मलेरिया है, बट अभी किसी को भी नहीं पता, बिकॉज बिना डॉक्टर चेक किया वो लोग डिसाइड नहीं कर सकते क्या हुआ उसे। अब वो बहुत ज्यादा शिवरिंग, बहुत कांप रहा है उस टाइम, उसकी आईज रेड हो चुकी है, वो प्रॉपर खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो जो उसके जो जैसे पुलिस ऑफिसर उसे दोनों कंधे पर लेकर आते हैं, तो जो उसकी आंट उसे देख के कहती है कि और परेशानी खड़ी होगी, मतलब और भी ज्यादा वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ऐसा पार्टी को बोलती है। तो पार्टी जो है मतलब उसकी मामा क्या बोलती है, इसको परेशानी बोलती है, और उसके मामा से कहती है कि इस परेशानी को क्यों लेकर आए थे तुम। तो जो पाठक होता है वो अपनी मामी को रिप्लाई करता है, क्या करता है, रिप्लाई करता है कि मामी मैं ना अपने घर जा रहा था, लेकिन ये दोनों पुलिस ऑफिसर हैं, ये मुझे जबरदस्ती उठाकर ले आया अपने साथ यहाँ पर, वरना मैं अपने घर चला जाता। अब जो पाठक है वो इतना बोलता है, फिर उसके उसके आंसू मतलब जो आंसू वगैरह पोंछ कर उसे लाके बेड पे लिटा देते हैं। जो बेड पे लिटाते हैं तो जो वह सो जाता है, ठीक है, वो सो जाता है। डॉक्टर फिर आके उसे चेक वगैरह करते हैं, बोलते हैं कि कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है इस टाइम। अब जो ये है हमारा जो पाठक है ये मतलब ये मटरिंग मतलब ये बहुत कंप्लेन करता है, खुद सोया रहता है, लेकिन उसे पता नहीं एक्चुअली कि ये ना मतलब सोए हुए बड़बड़ा रहा था, क्या बोल रहा था ये टाइम, मॉम चिल्लाते हुए कह रहे थे मॉम मुझे मत मारो मैं आपसे सच बताता हूँ। पाठक जो था वो किससे मतलब उसके उसे पता है कि उसे मतलब पता नहीं कि वो क्या बोल रहा है एक्चुअली, वो तो बड़बड़ा मतलब उसे एक्चुअली बेहोशी की हालत है, वो चिल्ला रहा था अपनी मॉम को याद कर रहा था एक्चुअली, वो ओरिजिनली वो अपनी मॉम को याद कर रहा था, ये लाइन बोल रही कि मॉम मुझे मत मारिए मैं आपको सारी सच्चाई बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डे जब नेक्स्ट मॉर्निंग यू नो अगली सुबह जब इसकी नेक्स्ट मॉर्निंग जब इसकी आंख खुलती है, तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग पार्टी की थोड़े टाइम के लिए आंख खुलती है, तो ये हल्का सा उठ के ये डोर की साइड देखता है, कहाँ देखता है, डोर की साइड देखता है, मान लो ये रूम में सोया है यहाँ पे डोर है, तो ये डोर की साइड देखता है, ये देखता है कि कहीं से कोई मिलने तो नहीं आया। एक्चुअली ये किसका वेट कर रहा है, ये अपनी मॉम का वेट कर रहा है, बट ओरिजिनली किसका वेट कर रहा है, अपनी मॉम का वेट कर रहा है। बट जब ये उठ के देखता है हल्का सा उठ के देखता है कि यहाँ कोई है क्या, बट यहाँ कोई होता नहीं है, फिर ये वापस से अपना सर नीचे करके सो जाता है और इस साइड वॉल के साथ टर्न फेस कर लेता अपना,
फेस टर्न कर लेता है, ठीक है। जब इसको ऐसा देख के इसके मामा यहाँ खड़े होते हैं, ठीक है, थीके? मामा जब ये सब देख रहे होते हैं कि ये मतलब किसका वेट कर रहे थे और पता है इसके मामा की अपने मामा का वेट कर रहा है, तो इसके मामा हल्का से झुक के उसके कान के पास विस्पर करते हैं खुशफुसा के, ये कहते हैं कि मैंने ना तुम्हारी मॉम को बुलाने के लिए किसको भेज दिया है, मतलब तुम्हारी जो मॉम है वो अभी आने ही वाली है थोड़े टाइम में। फिर ये बात ये सुन के मतलब ऐसे ही सो जाता है। फिर एक दिन बीत जाते हैं, डॉक्टर वही कहते हैं इसकी कंडीशन अभी भी बहुत क्रिटिकल है। फिर जो पार्टी को होता है, अब जो अभी नेक्स्ट जो मॉम मतलब अगले दिन वेट करता है, फिर किसी का ऐसे वो एक दो दिन वेट करता है, फिर नेक्स्ट डे क्या होता है वो मतलब जो डॉक्टर बता के चलाते हैं कि इसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है, तो क्या होता है थोड़ी देर बाद ये फिर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, यू नो ये बड़बड़ाते तो ऐसे नॉर्मली रहता है ये मॉम के लिए, लेकिन उस दिन चिल्लाता है क्या बोल के होता है, वो क्या चिल्लाना स्टार्ट करता है, बोलता है 3-4 फैटम्स, ठीक है। जो फैटम्स जो टर्म है हमारी किस लिए यूज होती है, जो फैटम्स टर्म है ये हमारी फैटम्स टर्म यूज होती है ओरिजिनली यूज होती है सी और रिवर की मेजर करने, कितनी डेप्थ है वो मेजर करने के लिए फैटम्स टर्म यूज होती है। तो जो ये जो हमारे ऑथर है एक्चुअली यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो पार्टी की उसे ये पता चल चुका है कि वो एक ऐसे समुद्र में जा चुका है जहां से वो कभी वापस जा सकता, इतने गहरे समुद्र में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ऑथर ये कहना चाहते हैं, तो जब ये सब हो रहा होता है जैसे थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जो पार्टी की मॉम होती है वो डोर पर आ जाती है, इससे मतलब पहले उसकी मामा ने भेज दिया था, तो उसकी मॉम जब आती है तो पार्टी से देखिए इतनी ज्यादा वो परेशान हो जाती है, रोना स्टार्ट कर देती है, क्या कहते हैं क्राई वीपिंग, रोना स्टार्ट कर देती है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब कोई भी मामा अगर अपने बच्चे को इस हालत में देखेगी, वो बैठे पड़ा हुआ है मतलब लेटा हुआ है, कोई मूवमेंट कुछ शो नहीं कर रहा है, तो उन्हें टेंशन होगी ऑब्वियसली। तो जो पार्टी की मॉम होती है उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता, बहुत रोते हुए इसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन जो इनके भाई होते हैं जो दिसंबर इनका भाई है वो इन्हें कहता थोड़ा शांत हो जाओ थोड़ा शांत हो जाओ, लेकिन ये नहीं होती है, मतलब ये रोते रोते जाती है इस पार्टी के पास जाके बैठ जाते, बेड पे कूद जाती है तरीके से, ठीक है। तो जब ये बेड पे जाके बैठती है और फिर पार्टी को बुलाती है, ओ माय डार्लिंग, ओ माय पार्टी, माय डार्लिंग, माय डार्लिंग, देखते मतलब पार्टी के तो आंखें खुलती हैं, तो ऐसे ही हल्का सा उन्हें उनका टच मतलब हल्का सा मूवमेंट शो करता और कहते बस ओ साउंड निकालता, फिर उसके दोबारा उसे बोलते हैं प्यार से, बोलते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे क्या हुआ तुम्हें। सो जो पाठक है वो बहुत ही स्लोली अपने हेड को अपने सिर्फ हेड को टर्न करता है उनकी तरफ देखता है, और मतलब उनकी तरफ और मॉम को नहीं देखकर देख ली वो किसी को, तो उसे बस लगता है कि वो किसी को देखते हुए ये बोलता है कि क्या छुट्टियां स्टार्ट हो गई, अपनी मॉम से बोलते हैं मम्मी क्या हॉलीडे स्टार्ट हो गए, बिकॉज वो बहुत ही पहले से ही हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्कूल जब वो स्कूल से भागा था उससे पहले उसने अपने अंकल से कई बार ये बात मेंशन की थी कि उसे घर जाना है, उसने अंकल से अपनी कई बार बोला भी था कि मुझे घर जाना है, तो उसके अंकल ने बस ये कह के डाल दिया कि बेटा हॉलीडेज आएंगे तब घर जाऊंगा। तो जब वो अपनी मॉम से मिला तो उसे ऐसा फील हुआ कि हॉलीडेज छुट्टियां पड़ गई हैं, तो वो अपनी मॉम से लास्ट वर्ड यही कहते हैं कि क्या मॉम छुट्टियां हॉलीडेज आ गए हैं। सो जो हमारे ये चैप्टर की यही एंड था कि जो पार्टी के अपनी मॉम से लास्ट यही लास्ट वर्ड्स ये बोल के कि मॉम क्या हॉलीडेज आ गए हैं, यही लास्ट वर्ड्स होते हैं किसके पार्टी के, और वो स्टोरी हमारी फिनिश हो जाती है, राइट। तो यही हमारे चैप्टर की एंडिंग है, ठीक है। तो यही होमकमिंग हो जाता है, मतलब कि होमकमिंग का ऑथर ने नाम दिया बिकॉज जो हमारा पाठक है वो बस अपना घर जाना चाहता था, तो वापस अपनी मॉम और ब्रदर के पास जाना चाहता था, ठीक है, होमकमिंग के चैप्टर का नाम है। तो इसी तरीके से हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है, आई होप आप लोग को चैप्टर से समझ आ गया होगा बिकॉज कैरेक्टर्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। सो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सो और भी ऐसी वीडियोज के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।